मॉर्निंग छात्रों, आज हम वैद्युत दुध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत दुध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक, उसके लिए हम एक फिगर तैयार करते हैं, कोई ए बी वैद्युत दुध्रुव का निर्माण करते हैं। तो देखिए, माना ए बी कोई वैद्युत दुध्रुव है, और वैद्युत दुध्रुव क्या होता है, जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, तो इस प्रकार का सिस्टम वैद्युत दुध्रुव कहलाता है। ठीक, तो ए बी कोई वैद्युत दुध्रुव है जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। ठीक, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। अब क्या है, इस द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, ये अक्ष हो गई, ये निरक्ष हो गई, अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालना है, तो देखिए प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा दूर की ओर जाती है, इसका मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण जो ई1 होगा वो बी से पी की ओर होगा, बी से पी की ओर, ये समझ लो, ईवन होगा वो बी से पी की ओर होगा। ठीक, और जो होगा माइनस के कारण, माइनस की ओर वैद्युत बल रेखा आती हुई नजर आती है, और वैद्युत बल रेखा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करती है, तो इसका मतलब यहाँ पर दिशा जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पी से बी की ओर। ठीक, इन बातों को ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी निकालते हैं। तो देखिए ये मध्य बिंदु है, पूरी दूरी 2L है, तो ये L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। ठीक है, और क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, R में से अगर L को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी R माइनस L। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस Q से P की दूरी, प्लस Q से P की दूरी कितनी, R माइनस L। ठीक, और माइनस Q से P की दूरी कितनी, R प्लस L। ठीक, तो इतना हम समझ गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, लिखेंगे माना, माना ए बी कोई, माना ए बी कोई वैद्युत दुध्रुव, वैद्युत दुध्रुव वायु या निर्वात में स्थित है, वायु या निर्वात में स्थित है। ठीक, वायु या निर्वात में स्थित है, ये लिखना है। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक कैपिटल के का मान 1 होता है। ठीक है, याद रखना है तुम्हें। अब देखो, इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय, इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। ठीक है, जिस पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक, ये लिखना है हमें। माना ये भी कोई वैद्युत दुध्रुव वायु या निर्वात में स्थित है, इस दुध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना हमने लिख लिया। अब क्या नई लेंस से हमें लिखना है, अतः P
प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है कितनी हो जाएगी ईवन बराबर ईवन है ना प्लस क्यू के कारण ईवन लिखेंगे वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं लिखेंगे के का मान एक मान लिया है क्यू बटे आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी से पी की दूरी आर माइनस एल है आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्यू बटे आर स्क्वायर होता है फार्मूला तो ये हो जाएगा ठीक डायरेक्शन भी लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे बी से पी की ओर सही है अब क्या करेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चलो यहाँ से ये मिटा दे रहे हैं ठीक प्लस क्यू आवेश के कारण हमने नोट कर लिया है प्लस क्यू आवेश के कारण इतना होगा ठीक है अब इसको हम मिटा दे रहे हैं अब यहाँ पर हम यहीं पर लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ई टू और माइनस क्यू से दूरी कितनी है माइनस क्यू से दूरी कितनी है आर प्लस एल तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर डायरेक्शन क्या होगी उल्टी हो जाएगी ठीक हमने वही लाइन लिख दी है अब क्या है ई वन हमने पढ़ा पहले फिर ई टू है अब क्या है दोनों के कारण हम निकालेंगे पी पर परिणामी ये अलग तो देख लिया है ऊपर वाला ठीक है अब लिखेंगे हम बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सही है ई बराबर क्या हो जाएगा ईवन माइनस ई टू अब ईवन में से हमने ई टू क्यों घटाया ईवन में से ई टू इसलिए घटाया क्योंकि हमने पढ़ा है ई व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन आर स्क्वायर यानी दूरी बढ़ने पर ई का मान क्या हो जाएगा कम और दूरी घटने पर ई का मान ज़्यादा तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अपेक्षा क्या है कम है तो दूरी कम होने पर ई वन का मान ज़्यादा होगा ई टू का मान कम होगा इसलिए ई वन में से ई टू को हमने लेस किया है ठीक और हमने माइनस के कारण माइनस की क्यों नहीं लिखी वहाँ पर तीव्रता इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है वेक्टर राशियों में चिन्ह नहीं लिया जाता है अगर स्केल क्वांटिटीज होती ठीक है तो उसमें चिन्ह लिया जाता ठीक है तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे बस इतनी बातें याद रखनी है आपको तो देखो इसकी वैल्यू रखेंगे ईवन का मान कितना आया वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस
वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ई बराबर कॉमन ले लेंगे, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन, इतनी बातें। और यहाँ पर क्या बचा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, चलो डायरेक्ट खोल दे रहे हैं, चलो इतनी बात लिख दी हमने। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, ऊपर लिख देते हैं नीचे वाला स्टेप। अब ई बराबर क्या लिखा जाएगा, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आगे फिर। ठीक है, ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, इसका स्क्वायर खोलेंगे, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का टू आर एल, माइनस से भी अंदर गुणा कर दिए हमने, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इससे ये कट गया। अब देखो, चूंकि एल की तुलना में, चूंकि एल बड़ा है आर से, या ऐसे लिख देंगे आर छोटा, आर बड़ा है एल छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर चूंकि, इसलिए एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से, तो इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, ई बराबर क्या लिखेंगे हम, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे क्यू इंटू टू आर एल फोर आर एल, और बटे इसको छोड़ देंगे तो आर की घात चार हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर आया तीन, तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये हो जाएगा टू इंटू टू, चार को तोड़ लिया हमने, क्यू एल बटे आर की घात तीन। अब देखो, ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बटे आर क्यू, यहाँ लिख देंगे, चूंकि पी बराबर क्या होता है, टू क्यू एल, ये होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आ गया अपना, थोड़ा इसको इधर लिख दे रहे हैं, देख नहीं रहा हो तो, इसको लिख देंगे ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यू, पी बराबर है टू क्यू एल। ठीक है, तो बस आज का इतना ही टॉपिक, आगे कल देखते हैं। ओके, बाय।